अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को पाकिस्तानियों के मक्का और मदीना में कारनामों से आगाह करना है। इस वीडियो को खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अगर कभी नसीब से आपको ये हमें मौका मिल जाए तो हम ये कारनामे वहां पर ना दोहराएं। नंबर एक, मक्का और मदीना में बिला तफरीक भीख मांगना, और अक्सर तो ये काम विद फैमिली करते हैं। नंबर दो, अफ्तार के दस्तरखान से दही और बन के 2-3-4 पैकेट्स परस ये कपड़ों में छुपाकर रफू चक्कर हो जाना। नंबर तीन, मुकद्दस मकामात जैसे गारे हिरा वगैरह में अपनी खाला फुफो और चाचा के नाम लिख कर आना कि या अल्लाह अरशद को यहाँ बुला ले, या अल्लाह यहाँ आने वालों की मगफरत फरमा, जो भी यहाँ आए मुझ खाकसार को अपनी दुआओं में याद रखे, मन जाने कयूम अली, या अल्लाह मेरे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दे, वगैरह वगैरह। नंबर चार, गिलाफे काबा के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कालीन के धागे नोच कर या काट कर बतौर तबरुक लाना और अम्मी अब्बा के कफन में रखने की प्लानिंग करना। नंबर पांच, ये नंबर पांच सिर्फ खवातीन के लिए है, रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए धक्का मुक्का और चुटकी के इस्तेमाल करके आगे वाली को रास्ते से हटाने के बाद एन रोज़े मुबारक के सामने स्तून पर चढ़कर कहना कि ला मोबाइल ला, तस्वीर ले लो। नंबर छह, खजूर की गिठलियां और बिस्किट के रैपर्स कालीन के नीचे छुपा देना। नंबर सात, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर रखे जमजम के कूलर्स के सामने स्कार्फ खोलकर गले और बालों पर जमजम मलना और सारे एरिया को पानी में छमछम करना, और फिर अरबी खादमा के हाथों अरबी में जलील होकर थोड़ी देर के बाद यही हरकत दोबारा दोहराना। नंबर आठ, क्योंकि पाकिस्तान में खवातीन का मसाजिद में जाने का रिवाज नहीं है, इसलिए अक्सरियत को जमात से नमाज नहीं आती, बस जमात के खड़े होते ही तमाशेबाजी का मुजाहरा नहीं बल्कि मुकाबला शुरू हो जाना, कुछ पता नहीं कि क्या करना है, इधर उधर नजरें चुरा कर जो जैसा कर रहा है वैसा फॉलो करना और खूब गलतियां करना। नंबर नौ, मर्द हजरात भी पीछे नहीं है, रोजे मुबारक के सामने घर पर वीडियो कॉल मिलाकर सलाम करवाना, अम्मी या बेगम बेड पर लेटी हुई हैं और पीछे से सारे मर्द देख रहे हैं, लेकिन आशिक साहब मगन है कि अम्मी बस जल्दी से सलाम कर ले, परेशान मत हो शबाना, अगली बार तुम भी यहां आओगी, पीछे से पूरी कौम शबाना का दीदार कर रही है, अस्तगफिरुल्लाह। नंबर 10, एयरपोर्ट पर वॉशरूम्स में कमोड लगे होते हैं जिन पर बैठना हमारी आधी आवाम को अभी तक नहीं आया, तो जूते चप्पलें लेकर कमोड पर WC के स्टाइल में बैठ जाना। नंबर 11, हरम के सहन में चप्पल बैग से निकालकर जोर जोर से पटकना और फिर पहनना। नंबर 12, खवातीन का मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बैठकर घरेलू सियासत पर खुलकर तबसरे करना। नंबर 13, हमारी प्यारी खवातीन अबाया पहनना गुनाह समझती हैं, शायद बहुत बड़ी तादाद में लान के छिलके जैसे कपड़ों में घूमती हुई पाई जाती हैं। नंबर 4, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहन में व्हील चेयर रखी होती हैं ताकि जरूरतमंद अफराद इस्तेमाल करें, दीगर ममालिक की खवातीन इस्तेमाल करके वहीं छोड़ जाती हैं ताकि कोई और इस्तेमाल करे, लेकिन हमारे यहाँ की शाकार खवातीन व्हील चेयर पर चप्पलें, जमजम की बोतलें, बैग, जाय नमाज सब लटका कर इसे फकीर का ठेला बनाकर खुद नीचे बैठ जाती हैं, और अगर कोई मांग ले तो ऐसे तेवर दिखाए जाते हैं कि बंदा सहम जाए। नंबर 15, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकाह की आड़ में बेबाकी, गुस्ताखी और जहालत का शानदार मुजाहरा करना, दुल्हन को मुकम्मल सजा संवार कर एन गुंबदे खिजरा के सामने बिठा कर निकाह करवाना, दुल्हन होटल से इसी हुलिये में आती और जाती है, आप सोचिए कि कितने नामहरमों की आंखों का रिस्क बनती है। नाज़रीन, हो सकता है कि यहां पे कोई कारनामा ऐसा हो जो बयान से रह गया हो, इसलिए पेश की माजरत, और ये कारनामे एक साथ बयान करने का मकसद ये है कि शायद हमें थोड़ी सी शर्म आ जाए और हमें अपने गरेबान में झांक कर इस नाम निहाद इश्क को देखने का मौका मिले जिस इश्क के बाद हम अदब नहीं सीख पाए, तो दरअसल ये इश्क है ही नहीं, क्योंकि जो इश्क महबूब और उसके दर का अदब न सिखा पाए, महबूब की लायु शरीयत न सिखा पाए, वो इश्क नहीं खाली दावा है। जी तो नाज़रीन, ये तो वो कारनामे थे जो हमारे मुशाहदे में आए हैं, अगर आपके मुशाहदे में कोई ऐसा कारनामा हो जो बयान से रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।
हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सब को अपने दर पर बुलाने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी अपने घर की ज्यारत और रोज़े रसूल की ज्यारत करना नसीब फरमाए और हमें दीन इस्लाम को समझने और इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।